गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। टुडे वी आर लर्निंग पिक अ बुक, एवीएस मैजिक बुक, पेज नंबर 62, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आज अपने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। लिविंग थिंग्स यानी जानदार, और नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि बेजान, जिसके अंदर जान नहीं होती। तो लिविंग थिंग्स में आज देखते हैं क्या क्या आता है। लिविंग थिंग्स कैन ईट, क्या अपने खा सकते हैं। देखो लिविंग थिंग्स में खा सकते हैं, वॉक चल सकते हैं, ग्रो बढ़ सकते हैं, फील महसूस कर सकते हैं, और ब्रेथ सांस ले सकते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या क्या आता है। ट्रीज आर लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, बींग्स एक्सेट्रा आर लिविंग थिंग्स। ये सब कैसे है? लिविंग थिंग्स है, जानदार चीजें है, जानदार। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या कर सकते हैं? लॉन्ग नॉन लिविंग थिंग्स में खा सकते हैं? नहीं। ब्रेथ कर सकते हैं? नहीं। वॉक कर सकते हैं? नहीं। ग्रो कर सकते हैं? नहीं। एंड फील तो नहीं कर सकते, महसूस भी नहीं कर सकते। उसमें क्या क्या आता है? तो बॉल, बैग, बॉटल, पेंसिल, टेबल, ब्रश एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये सब कैसे? बेजान चीजें, ये लोग में जान नहीं है। पेज नंबर 63। राइट एल फॉर लिविंग थिंग्स एंड एन फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि यहाँ पर लिविंग थिंग्स जो भी जानदार चीजें है उसके लिए एल लिखना है और बेजान के लिए एन। व्हाट इज दिस? बुक। बुक क्या है, जानदार है या बेजान है? यस, बेजान है। कैसी है? नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? एन। व्हाट इज दिस? दिस इज रोज, गुलाब। रोज किसे? ट्रीज किसे? लिविंग थिंग्स। तो ये भी कैसा हुआ? लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? एल, एल फॉर लिविंग थिंग्स। इसी तरह से एल और एन लिखना है ना। व्हाट इज दिस? टेलीफोन है ना, फोन। तो ये कैसा है? ये खा सकता है, चल सकता है, वॉक कर सकता है? नहीं। तो ये कैसा हो गया? नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर एन, एन को लिखना है, हो गया। व्हाट इज दिस? दिस इज नेल, खीली। तो ये कैसी हो गई? नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? एन, एन फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। खीली कैसी है? बेजान है, इसके अंदर जान नहीं है। अच्छा, ये क्या है? आईज। व्हाट इज दिस? आईज। आइज कैसे? आइज यानी बर्फ। ये नॉन लिविंग थिंग्स है या लिविंग थिंग्स है? यस, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसके अंदर जान है नहीं, ये खाता है नहीं, पीता है नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा? एन, एन फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। व्हाट इज दिस? यस, पैरोट, पोपट। ये खाता है? हाँ, ये तो खाता है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? लिविंग थिंग्स, एल फॉर लिविंग थिंग्स। पोपट कैसा है? जानदार चीज। What is this? Yes, Z for zebra. Zebra खाता है? हाँ। And walk? Yes. Feel? Yes. Breath? ये breath लेता है? हाँ। तो ये कैसा हो गया? Living things, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? L, L for living things. जानदार चीजों के लिए L और बेजान के लिए N. Thank you. Have a nice day.